हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये इश्यूज फेस कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे के पीछे कितना भी भागो, आपसे डबल स्पीड से पैसा आपसे दूर भाग जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम तो सारा खत्म ही नहीं होती, या अगर आपको लगता है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप यही नहीं समझ पा रहे, आपका कोई भी फ्रेंड आपको बता नहीं पा रहा है कि आप फाइनेंशियल मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो आपकी उन गलतियों को इस सेशन में हम लोग समझेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा के लिए चेंज कर लेंगे। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरो साइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। कहीं आप मनी विक्टिम तो नहीं है, कहीं आप अनकॉन्शियसली पैसे से दुश्मनी तो नहीं कर बैठे हैं, तो आज हम लोग इस इशू को फिक्स करेंगे हमेशा के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं पैसे को लेके, दैट इज ब्लेमिंग। दिस इज कॉल्ड विक्टिम क्लू नंबर 1। अगर आपकी थिंकिंग में, आदत में, हैबिट में, अगर आप एक ब्लेमिंग मशीन हो, अगर आप हर चीज को ब्लेम करते रहते हो, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते हो, आप एक ब्लेम मशीन हो, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। विक्टिम क्लू नंबर 2, गलती नंबर 2 इज द जस्टिफिकेशन। कुछ लोग लाइफ में हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं, जैसे कि पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो मेरे हाथ का महल है, पैसा तो मैं जब मर्जी कमा लूं। ये एक तरीका है बहुत एक सॉफ्ट वे में खुद को चीट करने का। अगर आप इस तरीके से जस्टिफाई करोगे आप, तो आप कभी भी पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। करना क्या चाहिए हमें, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी हार को मानना चाहिए। देखिए, पैसे की जरूरत सबको होती है, पैसा ही हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। तो अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं मैंने कोशिश करके देख लिया, नहीं होता मुझसे, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे से कहां गलती हो रही है, अगर आप इस माइंडसेट में नहीं आओगे तो आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल में आप निकाल दोगे। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने साथ भी जस्ट इनजस्टिस कर रहे हो, और आपके जो डिपेंडेंट हैं, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो वाइफ है, आपके जो पार्टनर है, आपके जो बच्चे हैं, आप उनके साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। तो इन सब स्टुपिडिटी से बाहर आइए, जस्टिफिकेशन करना बंद करिए। मनी इज इंपॉर्टेंट और आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। अगर आप मनी मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोज को देखिए, आप सीखिए और इस इशू को हमेशा के लिए दूर कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे गलती नंबर 3, विक्टिम क्लू नंबर 3। दिस इज कंप्लेनिंग। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उनके साथ कितना भी अच्छा हो जाए वो अच्छाई को नहीं देखेंगे, बोलेंगे ये कमी रह गई। वो कितना भी अच्छा प्रोग्राम अटेंड कर ले, वो अच्छाई को नहीं देखेंगे, वो कहेंगे ये कमी रह गई। तो एक प्रिंसिपल है जो कहता है, वेयर द फोकस गोज इट ग्रोज। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, कमियों पे फोकस करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये 3 ब्लंडर्स हैं जो हमें नहीं करना है। गलती नंबर 1, ब्लेम करना बंद कीजिए। गलती नंबर 2, जस्टिफाई करना बंद कीजिए। गलती नंबर 3, कंप्लेन करना बंद कीजिए। अगर आप इन 3 कमियों को दूर करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी वो होगी जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको जरूरत है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके सक्सेस, ग्रोथ, वेल्थ के लिए मैं विश, प्रे एंड एफर्ट्स करता रहूंगा। आपको आपकी जो भी एक की लर्निंग है आप उसको कमेंट में शेयर कीजिए। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर आप हमारे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे कुछ ग्रुप की डिटेल्स हैं, आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर बनिए, हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।